Hi Divine Family, welcome back to the channel. How are you all? I hope everybody is doing fine and आप सब divinely blessed हैं, divinely protected हैं, है ना? And definitely divinely guided तो है, ठीक है? Angels ने आपके लिए जो मैसेज भेजा है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है कि आपको लेकर के ना काफ़ी ज़्यादा competition चल रहा है background में, आपको पता भी नहीं है और आप इस कंपटीशन से अनअवेयर हो, ठीक है? आपको नहीं पता कि ऐसा कुछ बैकग्राउंड में कोई कंपटीशन चल रहा है आपको लेकर के, ठीक है? बट यस, देर आर पीपल जो आपके लिए और आपके साथ कंपटीशन में हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और रोमांटिकली अट्रैक्टेड हैं एंड उन लोगों को बेसिकली आपके रिजेक्शन से डर लगता है, ठीक है? उनको लगता है कि आप उनको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है? कुछ और भी लोग हैं जो आपके साथ कंपटीशन में हैं, ठीक है? ये मुझे कोई इमेच्योर फीमेल की वाइब्स भी आ रही हैं, ठीक है? तो मेंटली आपसे इमेच्योर एंड एज में आपसे बड़ी, ठीक है? तो कोई एल्डर लेडी हैं जो इमेच्योर हैं, वो आपके साथ सीक्रेटली कंपटीशन में हैं, ठीक है? आपकी हर चीज़ पर वो नज़र रखती हैं और हर चीज़ उनको जानने का वो रहता है, उत्सुकता रहती है कि क्या चल रहा है, बट उनके मन में कहीं ना कहीं आपको लेकर के कंपटीशन है, ठीक है? कहीं ना कहीं सीक्रेटली वो आपके साथ कम्पीट करती हैं। तो ये कुछ लोग हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जो आपको लेकर के कंपटीशन में हैं, ठीक है? बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बट आपको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने काम में बिजी हो, अपने अपनी चीज़ों पर फोकस कर रहे हो एंड आप अपनी सीधी लेन में चल रहे हो, आपकी जो एक लेन है आप अपना उसी में चल रहे हो, बट लोगों को आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली भी ट्रिगर कर रहे हो, है ना? लोगों को आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, है ना? उनमें से कई लोग रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं और कई लोग आउट ऑफ कॉम्पिटिशन, यू नो, एक टफ कंपटीशन की तरह आपको देखते हैं, है ना? तो ये कुछ एंजल्स के मैसेज आ रहे थे आपके लिए। देखते हैं आपके लिए आज और क्या बताते हैं स्पिरिट गाइड्स, और क्या एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं। लेट्स सी एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ बी प्रेजेंट इन दिस रीडिंग और बताइए मेरे डिवाइन मेम्बर्स को, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को बताइए कि आप उनको और किस बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ओके ओके या यहाँ पे कुछ बात हो रही है, कुछ कॉन्स्पिरेसी की, किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी, है ना, करी गई, या कुछ कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करी जा रही है एंड ये जो वाइब्स है ये मुझे आपके एंसेस्टर्स की लग रही है, ठीक है? आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, उन कॉन्स्पिरेटर्स को काट फेंका है, ठीक है? उनको इस स्वॉर्ड से रिमूव कर दिया है, ठीक है? आपको यहाँ पे बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, बटरफ्लाई दिख रही होगी, तो अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई दिखती है तो पॉसिबल है कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं, उनकी स्पिरिट्स आपके आसपास हैं, ठीक है? विश फुलफिलमेंट, तो यहाँ पे बहुत से लोग, मुझे लग रहा है आप उनकी विश हैं, ठीक है? वो आपको इमेजिन करते हैं या अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आपको इमेजिन करते हैं, ठीक है? आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं मुझे लोग, बट
किसी को रिजेक्शन से डर लगता था, है ना? या कुछ रिजेक्शन से भी डर लगता था किसी को, और पास में वो क्योंकि आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं ये सब कुछ, ठीक है, तो उन्होंने सफ़र भी बहुत कुछ किया है, काफ़ी कुछ सफ़र किया है। ओके, आप क्या बताना चाह रहे हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स क्यों आया? ओके, दो कार्ड्स फ्लिप हुए हैं। टू ऑफ कप्स, या सो ये मुझे कोई रोमांटिकली इंटरेस्टेड इंसान लग रहा है, या अभी मुझे लगता है सैबोटाज किया गया है आपकी तरफ। बेसिकली लव को एक्सप्रेस नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो आपको वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स पर रखते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स पर हो, ठीक है, आप काफ़ी वैल्यूएबल हो, आपका टाइम काफ़ी वैल्यूएबल है ना, तो मुझे लगता है कि इस वजह से, और वो अपने आप को एज अ पेज ऑफ पेंटिकल्स समझते हैं। पॉसिबल है कि ऐसा ना हो, बट क्योंकि उनको कुछ कुछ डिफरेंस लगता है आप में और उनमें, जिसकी वजह से उन्होंने इस पूरे कनेक्शन को, मैं देख रही हूँ कि सैबोटेज किया, ठीक है। या बेसिकली उन्होंने अब इस चीज़ पर ना वर्क करना बंद कर दिया है, ये जो लव कनेक्शन है ना, इस पर इन्होंने किसी भी तरह का एफर्ट्स डालने बंद कर दिए हैं। अब वो किसी भी तरह का एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं, सेल्फ सबोटाज, खुद से एक रिलेशनशिप को एंड कर देना, है ना, या बट उससे उनको तकलीफ काफ़ी पहुंची है, काफ़ी बर्डन में देख रही हूँ मैं उनको, ठीक है, काफ़ी बर्डन है उन पर, दुख है उनको इस बात का। उन्होंने काफ़ी कुछ सीक्रेटली बहुत कुछ ट्राई किया, ठीक है, आपको इनडायरेक्टली पॉसिबल है कि काफ़ी कुछ इंडिकेशंस दिए हों आपकी तरफ से, उन्होंने लैक ऑफ इमोशंस पाया, ठीक है, आपकी तरफ से कोई भी इमोशनल गिव एंड टेक नहीं लगा उनको, इंटरेस्टेड नहीं लगे होंगे आप उनको, ठीक है, या बट एक्चुअल में वो आपको एज अ क्वीन ऑफ कप्स समझते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर प्यार हो, है ना, बहुत सारा प्यार हो, बहुत सारी इमोशंस हो, दया हो, काइंड हार्टेड हो, और वो इस चीज़ को आगे भी बढ़ाना चाहते थे, स्पीड अप करना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग सम सॉर्ट ऑफ किसी तरह का मैं डिफरेंस देख रही हूँ यहाँ पे, उनको ऐसा लगा कि कुछ अंतर है आप में और उनमें, जिसकी वजह से उन्होंने इस पूरे कनेक्शन को एंड करना चाहा, एंड करने का फैसला लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा ही कुछ देख रही हूँ। रिजेक्शन से डर लगता है उनको, उनको लगता है आप कहीं ना कहीं उनको रिजेक्ट कर दोगे, आप पॉसिबल है कि आप उनको रिजेक्ट करो, तो इससे पहले आप उनको रिजेक्ट करो, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को एंड कर दिया, ठीक है, या उन्होंने इस कप ऑफ लव को ऑफर ही नहीं किया आपको, ठीक है, एंड इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा पेन में, बर्डन में दिख रहे हैं मुझे, या उन्होंने काफ़ी कोशिश बहुत करी है, बहुत ट्राई किया है चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, बट हो नहीं पाया उनसे। ओके, सो देखते हैं डिवाइन क्या बताते हैं। सो आपके आसपास बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, उनको ऐसा भी लग सकता है कि वो किसी और के साथ कॉम्पिटिशन में है, हो सकता है आपको और भी लोग
लाइक करते हो, पसंद करते हो, ठीक है, तो ऐसा भी उनको लग सकता है कि पॉसिबल है कि उनका उनका कोई चांसेस नहीं है उनकी, है ना, उनके चांसेस नहीं है। ओके फाइन। तो यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी है, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ठीक है, आपको बोला गया है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, ओके, एंड यूनिवर्स आपके साथ है, ओके, आपको यूनिवर्स की तरफ से ढेर सारा प्यार आ रहा है, ढेर सारा प्रोटेक्शन आ रहा है, एंड आप पूरी तरह से सेफ हैं, ये बताया जा रहा है आपको, ओके, अश्योरेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से आपको। यूनिवर्स एटर्नल है, ठीक है, यूनिवर्स अपने आप में वही दिव्य शक्ति है जो आपको पूरी तरह से कवर अप दे रही है, पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, गार्ड कर रही है, है ना। हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आपने काफ़ी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से सीख ले ली है ना, आपको बता रहे हैं कि आपने काफ़ी कुछ सीख ले ली है अपनी, जो भी आपकी गलतियां थीं, जो भी आपसे फॉल्ट्स हुए पास्ट में, आपने अपने एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ सीखा है। अब आपको अपनी अंतरात्मा में, अंतर मन में, यू नो, मेडिटेशन करना चाहिए, अंदर झांकने की ज़रूरत है, आपको इनर स्टडी की ज़रूरत है। बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आपको और ज़्यादा आध्यात्मिक, यू नो, अपलिफ्टिंग की ज़रूरत है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप मेडिटेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। काली माँ, माँ काली, तो माँ काली की एनर्जी है यहाँ पे, फेसिंग फियर, ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि निडर होकर अपने डर से लड़ो, ठीक है। मोर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। और भी बहुत सारी आध्यात्मिक चीज़ें आपको मालूम हो, पता चलने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ने वाली हैं, ठीक है, थीके? आपका मौका है आगे बढ़ने का, ऊंचा उठने का, ओके। तो ये डिवाइन गाइडेंस आ रही थी आपके लिए, ओके। सो आगे देखते हैं आपके लिए क्या डाउनलोड आ रहे हैं, देखते हैं, लेट्स सी। Okay, I'm attracted to this one. You are strong. आप बहुत strong हैं, ठीक है, आप बहुत courageous हैं, बहुत strong हैं। माँ काली का कार्ड आया है यहाँ पे वैसे भी। Group of them are working against you. कुछ लोगों ने group बना रखा है, आपके जो competitors हैं, जो आपसे competition करते हैं, उन लोगों ने एक group बनाया हुआ है, ठीक है, वो आपके against कुछ भी गॉसिपिंग करते रहते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं। शॉर्ट हेयर, किसी के शॉर्ट हेयर हैं, ये इंडिकेशन हो सकता है आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, ओके। फ्लर्टिंग, तो समबडी इज फ्लर्टिंग विद यू और समबडी इज ट्राइंग टू फ्लर्ट विद यू, आपके साथ कोई फ्लर्ट करते हैं, तो पॉसिबल है वो भी आपके सीक्रेटली आपसे कॉम्पिटिशन करते हों, है ना, ओके। ये वाला, यू आर द फर्स्ट बिलियनेयर इन द फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। सो आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियनेयर हैं, ठीक है, आप अपनी फैमिली में एक स्टार की तरह शाइन करते हैं, एक सुपर पॉपुलर, यू नो, आप अपनी फैमिली के स्टार हैं, है ना, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। यू कंप्लीट मी, आप उनको कंप्लीट करते हैं जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ कभी फ्लर्टिंग करते हैं, या फिर आपको कोई सीक्रेटली आपको पसंद करता है, तो वो ये कह रहे हैं कि आप उनको कंप्लीट करते हैं। यू कंप्लीट मी, कोई सीक्रेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। 144, आप
डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आपको जब भी ये नंबर दिखता है तो आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन के अंडर हो आप। या नाउ हेटर्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लिव पीसफुली। या तो अब हेटर्स आपकी लाइफ से जा चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब आप पीसफुली रह सकते हैं, एंड आपके जो हेटर्स हैं ना वो आपके फैन बन गए हों, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मैसेज पॉसिबल है कि शायद ऐसा कुछ भी कन्वे करना चाह रहे हों। या यू स्टॉप स्पीकिंग टू देम, यू रियलाइज हाउ फेक दे वर। ओह, आपने उनसे बात करना बंद करी, आपको ऐसा लगा कि कुछ फेक हैं वो, कुछ फेक हैं, कुछ तो यू नो हिडन है, वो कुछ छुपाते हैं। या कट द कॉर्ड्स, आपको कॉर्ड कट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कॉर्ड्स को कट करिए, यानी कि आप उनसे अपना जो अटैचमेंट है ना, मेंटली अगर आप उनके बारे में सोचते भी हो तो वो सोचना बंद करो आप, है ना। यू आर रॉयल बिकॉज यू आर रॉयल, ठीक है। और ऐसा वो भी इस बात को जानते हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपसे सीक्रेटली कॉम्पिटिशन में है, जो कोई भी, वो भी जानते हैं कि आप रॉयल हो, ठीक है। आपकी रॉयल्टी को वो अच्छे से जानते हैं। मुझे इंट्यूशन आ रहा है ये वाला लेना है। समवन इज सीक्रेटली इन लव विद यू। मैं काफ़ी देर से आपको ये चीज़ कन्वे करना चाह रही हूँ कि कोई सीक्रेटली आपसे प्यार भी करता है ना, सीक्रेटली आपसे आपको पसंद करते हैं, बट उनको रिजेक्शन से डर लगता है। ओके, आई फील टाइड टू यू। ओ, उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे बंधे हुए हैं, उनको कुछ आपके साथ, उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे अलग नहीं है, ठीक है, ऐसा उनको फील होता है। ओके, ये वाला। समवन इज पिसिंग मी ऑफ। ओके, कोई उनको इरिटेट कर रहा है, कोई उनको परेशान कर रहा है ना, या शायद वो आपको ये बताना चाहते हैं बट वो बता नहीं पा रहे हैं आपको, कि आपको शायद वो आपको ये बताना चाहते हैं और वो बता नहीं पा रहे हैं कि उनको कोई परेशान कर रहा है। सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड। ओके, क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड, उनकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है, या आपके आपके सेक्रल चक्रा में ब्लॉकेज है ना। आपको सेक्रल चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन करना चाहिए। ओके, स्पिरिट्स आर टेलिंग मी टू स्टॉप। और हाउ मेनी मोर, ओके वन मोर, एक और मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। ओके, फेस स्कार, किसी के फेस पर स्कार है, ये फिर से आया है ना, उनके फेस पे स्कार है, या आपके फेस पे स्कार है, किसी के फेस पे स्कार है। जो इंसान आपसे कंपटीशन करते हैं सीक्रेटली, उनके फेस पे स्कार हो सकता है। जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, पॉसिबल है उनके फेस पर स्कार हो, है ना, कोई निशान हो उनके फेस पे, राइट। या तो देखते हैं क्या वर्ड्स आते हैं, क्या इनिशियल्स आते हैं, आपके जो भी सीक्रेट कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके लिए कंपटीशन कर रहे हैं और आपसे भी कंपटीशन कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो सीक्रेटली आपके लिए भी कर रहे हैं कंपटीशन, वो आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं आपसे कौन कंपटीशन कर रहा है और आपके लिए कौन कंपटीशन कर रहा है। ओके, एस, एस इनिशियल हो सकता है, आर, ओके, एम, लेटर एम, वी, लेटर वी, एच, एच ट्वाइस आया है, आर, वी, लेटर वी, एच,
एच दो बार आया है, ट्वाइस। बी लेटर बी ओ, ओके। क्यू लेटर क्यू, फाइव, फोर्टीन, ट्वेंटी थ्री, ये आपकी एज हो सकती है। 23 आपकी एज हो सकती है। 5 आपका बर्थडे बर्थडे डेट हो सकता है। मई आपका बर्थडे मंथ हो सकता है, 5th मई स्पेसिफिक आ रहा है। 14th ऑफ मई स्पेसिफिक आ रहा है, ठीक है। 23rd मई आपका बर्थडे डेट हो सकता है। 32 किसी की एज हो सकती है, 35 हो सकती है, या ओके रोश, ओके रोश, रश्मि, रोशनी, रश्मि, महाराष्ट्र, मुंबई, क्यू, क्वीन, रॉयल आया था ना हमारे डाउनलोड्स में, यू आर रॉयल, तो यू आर क्वीन और यू आर किंग, ठीक है, रॉयल्टी, आप रॉयल हो, राइट। ओके देखते हैं क्या वर्ड बन रहा है। भीष्म किसी का नाम हो सकता है, भीष्म, भीष्म, MRH, MRF, है ना, ओके। रोहित, आई एम लिसनिंग, रोहित, रोहन, रोहित, सुबह, आई एम लिसनिंग, सुबह, एसवी, एसवी किसी का नाम एस और वी से हो सकता है, ओके। भीम किसी का नाम भीम हो सकता है, सविता, ओके। I'm listening something but I can't see that. Yeah. Hob. Hob. कोई cooking कर रहा है कुछ, कोई cooking कर रहा है, H&M, shopping, cooking. शर्त, मैं कुछ शर्त सुन रही हूँ, कोई शर्त है, शर्म, कोई शर्म की बात कर रहा है कुछ, शर्म, है ना, वो शर्म, बहक, बहक, कुछ और लेते हैं लेटर्स, लेट्स सी, इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, पता लगाते हैं क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोग। एक्स,
ये कोई एक्स हो सकते हैं जिनके साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन था और अब आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हो, है ना। डब्ल्यू या सो यहाँ पे एक वुमन तो आई थी, कोई एल्डर वुमन है ना, जो इमेच्योर है, जो इतना मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर बातें नहीं करती है, थोड़ी सी ना समझ सी है, अकल कम है उसको, है ना। आपकी लाइफ बैलेंस में है, इक्वल बैलेंस, ठीक है, सब कुछ बैलेंस्ड आउट है। नंबर 9, नंबर 6 आपका हो सकता है बर्थडे डेट, हो सकता है लाइफ पाथ नंबर, हो सकता है आपका 6 एन, ओके लेटर एन, या वुमन, कोई लेडी वुमन जो आपके साथ सीक्रेटली कंपटीशन में है, राइट, या यू, लेटर यू, शुरू पी, लेटर पी, शार्प, कुछ शार्प की बात हो रही है। नंबर 1 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, नंबर 1 आई, श्री, श्री आपको लक्ष्मी की तरह देखता है कोई, है ना, कोई आपको लक्ष्मी मानता है, या कोई आपको बहुत लकी मानता है, श्री, है ना, वेल्दी, रिच, या आपका नाम श्री से हो सकता है शुरू, ठीक है, श्री आपका नाम हो सकता है, यूपी, बीवी, कुछ बीवी से रिलेटेड है बात। 16 यहाँ पे किसी का बर्थडे डेट हो सकता है, 16, ओके, या ओम, कोई मंत्र बोल रहा है, ओम, ओम ह्रीम, ओन, बीवी ओन, कोई आपके साथ शादी करना चाहता है, किसी को शादी करनी है, ओन बीवी, अपनी खुद की बीवी की बात हो रही है, कुछ वाइफ की बात हो रही है ना, हम, एच यू एम, हम, या हम, हक, किसी का हक है, कुछ कुछ हक की बात हो रही है यहाँ पे। एमपी, यूपी, एमपी, हरियाणा, एचआर, ओके, वेस्ट बंगाल भी है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल, एंड पीएम, 16 PM 4 बज रहा है कहीं पे, शाम के 4 बजे हैं, वॉम, ओके, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट हो, वॉम, कुछ वॉम से जुड़ी हुई बात है यहाँ पे, ओके, हाँ सुनाई दे रहा है मुझे, हाँ, प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम की बात हो रही है यहाँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, शो,
इन शो, कुछ शो की बात हो रही है यहाँ। ओके मॉब, ओके भीड़, कुछ भीड़ है कहीं पे, भीड़ में। प्रून, ओके शक, किसी को कोई शक है ना, कोई इल्यूजन स्पेल्स करे गए आपके ऊपर, शक क्रिएट किया गया, हेक्स या कुछ ऐसे ईवल चीज़ें करे गए हैं पास्ट में आपके ऊपर, जिससे आपको शक क्रिएट किया गया, इल्यूजन स्पेल्स क्रिएट करे गए, ठीक है। प्राइम, आई एम लिसनिंग प्राइम, यहाँ पे प्राइम आया है। ओके वंश, नेम आया है यहाँ पे वंश। और मोनू, मोनू मोनू सोनू या नेम आया मोनू। विश, ओके ओके विष्णु, विष्णु नेम आया है यहाँ पे या प्रॉम, BMW, किसी को BMW खरीदनी है। प्रो, कोई कह रहा है प्रो या ओके। सो दीज आर द क्लियर मैसेजेस। ओके ओके शानू, शीनू, शीनू भी नाम आ रहा है यहाँ पे, शीनू। श्री, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सुनाई दे रहा है, श्री श्री। ओके सो कुछ श्री से रिलेटेड है बात, है ना। श्री मतलब महालक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब वेल्थ, ठीक है। सो कुछ वेल्थ से रिलेटेड बात है, राइट। तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे थे आपके लिए जो मैंने आपको कन्वे करे, ठीक है। एंड आई होप एंड प्रे आप सब बहुत ज़्यादा फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है, एंड अबंडेंट रहेंगे। और इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। एंड मिलती हूँ मैं अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।